रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम अलैहि। अच्छा जी, बड़े मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो आज का टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। आगे किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, दो सॉलिड सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल फॉर्मिंग्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ओवरऑल जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक होगा ना जी। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो जैसे अगर आपको याद आ जाए तो हमने पढ़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल वाटर की दे देता हूँ, वो पोलर मॉलिक्यूलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और उसके दूसरी तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। देखें उसकी वजह ये है कि देखें वाटर के अंदर जो है ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक हो गया ना जी। तो हम ये कहते हैं कि कुछ इस तरह से पोलैरिटी है, ये एक बॉन्ड है और फिर ये दूसरा बॉन्ड है पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं चूंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है डायरेक्टेड, तो वो ओवरऑल हालांकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है या जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ओवरऑल, ठीक है जी, ओवरऑल डेल ई एन ओवरऑल नेट जिसे आप कहते होते ना मजमूई तौर पर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे डेल ई एन ओवरऑल यानी मैंने इसको नेट लिख दिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसल कर देंगे, ठीक है जी, और इसमें जो बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के इफेक्ट को उल्टा क्या करेंगे बढ़ाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये वजह है कि जो है वो बाज़ का जरूरी नहीं होता कि जी वो जी अगर एक जैसे एटम्स के दरमियान में बॉन्ड जो है वो पाया जाता है वो सिर्फ वही बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होता है, मैं बॉन्ड्स की नहीं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये ओवरऑल नॉन पोलर है। तो दो सॉलिड्स इन विच पोलर एंड पोलर आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, कुछ एटम्स होते हैं ना जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, नोबल गैसेस के हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, ठीक है ना जी, आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बेटा जी डेफिनेशन फॉर इसमें फॉर इंस्टेंस दी सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस दीज आर एटम्स। अच्छा जी, तो डेफिनेशन के बाद सवाल ये है कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर तो आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन होगी, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, अल्लाह आपका भला करे। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हमने इसी चैप्टर फोर के लिक्विड्स के वाले शुरू में पढ़ा था, वो कई किस्म की हैं, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, और फिर डिबाय फोर्स जो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जिन्हें वीक वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। याद रखें हमने पढ़ा था फ्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कुछ आई है ये बातें याद, तो ये वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। जस्ट टू टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होल्ड द पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो इसलिए चूंकि मॉलिकुलर सॉलिड्स को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो किस्म के हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस या आर आगे खुद लिखे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैंडरवाल फोर्सेज यानी आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो बेटा जी मैंने आपकी सहूलत के लिए दीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर दैन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में, तो ये बहुत वीकर है। अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर फोर लिक्विड में मैंने आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही करवाया था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक हो गया ना जी। तो बिटवीन द एटम्स इन द और कोवलेंट बॉन्ड से भी बहुत वीकर होती हैं, तो इसकी अब ये नोट कर लेना है, ये खास तौर पर आपने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये कुछ किताब में नहीं है जो है वो आपके सामने है, मैंने नोट करवा दिया। इन विच पोलर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रेगुलरली
थ्री डायमेंशनल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। ड्यू टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इन विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रेगुलरली थ्री डायमेंशनली ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेज आर लैंडन डिस्पर्शन फॉर एग्जाम्पल आइस, ठीक हो गया ना जी, सुक्रोज, चीनी, ग्लूकोज, आयोडीन, नॉन पोलर, सल्फर एसिड, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, प्रिज्मेटिक, आपने सल्फर पढ़ी हुई है, रूम्बिक, वो वाली उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पी फोर वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ड्राई आइस जो कि सॉलिड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल हमें पता है कि पोलर अट्रैक्शंस जो होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस जो होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर ही होती हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट्स देन नॉन पोलर सॉलिड्स, स्मॉलर मेल्टिंग पॉइंट्स देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बट ये प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। एक्सरे एनालिसिस ने ये कन्फर्म किया है, एक्सरेज के एनालिसिस से हमें पता चला है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को थ्री डायमेंशनली अरेंज किए होते हैं। शो दैट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ दी सॉल एंड वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ ऑल दी एटम्स। दी फोर्सेस विच होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर, मॉलिक्यूल के सेल्स वेरी बिग, सो दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। तो अब बेटा क्योंकि वी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो ये पड़े पड़े इनकी सॉलिड स्टेट से ही वेपर बनते रहते हैं, ठीक है, ये सबलाइन भी करते हैं। तो एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये हमें नंबर लगा लेने हैं, बस किताब में अंडरलाइन करें, नंबर लगाते हैं 2, 3, 4 पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें थोड़ा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ना ही कोई आयंस है। लो डेंसिटीज क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, अट्रैक्शंस हैं, तो इसलिए एम्प्टी स्पेसेस क्या है, लार्ज हैं, एम्प्टी स्पेसेस क्या है, लार्ज हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, तो इसलिए इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, लो होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट लाइट, लाइट इनके आर पार गुजर जाती है। तो अब सॉलिबिलिटी देखें, पोलर सॉलिड्स, जो पोलर सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, बड़ा जी आयोडीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन जो है। तो जरा इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये क्यूब मैंने बना दिया है, अगर आप क्यूब देखें तो ये ऊपर वाले में एक एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, ठीक हो गया, फिर ये पांचवा, छठा, अच्छा जी, और फिर उसके बाद छठा, सातवां और आठवां। अब ये काम करने के बाद जो है देखें जरा कि इसको मैं सेट कर लूं। हाँ जी, तो ये एक फेस, ऊपर टॉप वाला फेस है, उसके सेंटर में एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये एक लेयर है, और फिर ये जो है ना बॉटम वाला है उसके भी सेंटर में ये आयोडीन का एक है, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, कितने हो गए जी, कितने हो गए, चार फेसेस हो गए, छह होते हैं ना जी, बैक वाला बी ए बी के बैक वाला, और फिर इसी तरह से ये बन जाता है जी फ्रंट वाला एफ आर, क्या हो गया, एफ आर फ्रंट वाला। तो इस तरह से आयोडीन के मॉलिक्यूल जो है वो लेयर्स में है, एक लेयर ऊपर की है, एक लेयर फेसेस की है, और एक लेयर जो है वो बॉटम वाले की है। तो इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, द सॉलिड आयोडीन स्टेट मॉलिक्यूल्स अलाइन, अलाइन का मतलब तरतीब पाना, इन लेयर लेटर्स यानी लेयर स्ट्रक्चर की तरह ही, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड लेंथ 271.5 पिकोमीटर इन सॉलिड स्टेट, बट इट इज अप्रिशिएबली लॉन्गर इन गैशियस, गैशियस स्टेट में आयोडीन आयोडीन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है वो जरा बढ़ जाती है, क्योंकि गैशियस स्टेट में अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं। 266.6 पिकोमीटर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, आयोडीन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा जी पिछला लेक्चर लंबा था, ये छोटा है, मजबूरी थी, टॉपिक पूरा अगर कवर करें तो पूरा टॉपिक ही करें, तो अल्लाह ताकि अब आपको सांस आ जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। याद रखें बेटा जी, नोट करना आपकी जिम्मेदारी है, तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन, शुक्रिया।